बहुत ही एक मैं कहूँगा दुखद या एक बहुत ही विचित्र सी स्थिति देश के सामने आ खड़ी हुई है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में जो अरविंद केजरीवाल को एक गलत तरीके से एक गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है, पहले ईडी की कोर्ट में उनका केस चल रहा था और अभी आप देखेंगे जेल से ही जेल में उन्हें सीबीआई उनको गिरफ्तार करके ले गई, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में आज विरोध प्रदर्शन का प्लान किया था। लेकिन यहाँ जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने आज एक बहुत ही लोकतंत्र की मैं कहूँगा लिटरली हत्या हुई है। जो एक विरोध प्रदर्शन करने का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकार है हमारा उससे हमें महरूम रखा गया है। आज जैसे ही हमारे साथी विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे जस्ट हम बीजेपी कार्यालय से कुछ दूरी पे भी थे, वहाँ पे बैरिकेड्स पहले लगे हुए थे, वहाँ पे कुछ ही साथी इकट्ठे हुए थे, 8-10 साथी इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनको इकट्ठा होने से पहले ही उन्हें वहां से जबरदस्ती बस में डालकर उन्हें थाने ले जाया जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार के भारत में पहुंच गए जहाँ पे एक जो बेसिक चीजों के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शांतिपूर्वक, खास बात यह कि शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन था और यहाँ के एसपी और डीएसपी को इससे अवगत कराया गया था कि इसमें किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ आगजनी हिंसा की बात नहीं है, बहुत ही शांतिपूर्वक मार्च करने का हमारा प्लान था। एक तरफ मोदी जी संसद में जाके संविधान को सर से लगा के एक ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ दूसरी तरफ वही मोदी जी अपनी पुलिस के जरिए इस तानाशाह सरकार की यहाँ पे जो पर्ची सरकार चल रही है, मैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री को कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता, इनके हाथ में करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट इन्हें ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, ये पर्ची मुख्यमंत्री अमित शाह और मोदी के इशारे पर यहाँ पे ये इस टाइप का ऑर्डर पास करते हैं जिसमें लोकतंत्र की हत्या की जाती है, सरेआम हत्या की जाती है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और किस लिए, जहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली में लोअर कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को बेल मिली तो ये बिना ऑर्डर की को भी लिए हाई कोर्ट में पहुंच गए और वहां से उनको जमानत को स्टे करा दिया, जब इन्हें लगा कि हाई कोर्ट से जमानत मिलने वाली है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीबीआई को भेज दिया, एक दूसरी एजेंसी के पास में जांच को भेज दिया, दूसरे केस में उन्हें फंसा दिया। ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक ऐसी पार्टी है जिससे नरेंद्र मोदी अंदर तक डरे हुए हैं। भारत की जनता ने उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में नकार दिया, उसके बाद में संपूर्ण भारत के पास मैसेज जा रहा था कि शायद इस बार नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो अकड़ है उसमें थोड़ा ढीला बनाएगा, वो थोड़ा लोकतांत्रिक बनेंगे, लेकिन अभी पिछले 2 दिन आप संसद में देखिए और आज यहाँ पे राजस्थान के जयपुर में आप जिस प्रकार के हालात बने हैं उनको देखते बिल्कुल नहीं लगता, मैं यही कहूंगा कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है।